हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। बाइलिंगुअल है इंग्लिश और हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में, एज यू डिमांड्स, एज पर योर डिमांड हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द वीडियो दैट्स इन इंग्लिश एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर इसके फैक्ट्स के, और कुछ बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी का डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात की जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो अलग अलग तरह का हो सकता है। वो रिटन भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है, रेटेक्ट भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, या यूँ कहीं कि अनरिटन भी हो सकता है। गाइस सबसे पहली बात कहें तो बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी बिलीव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ द इंडियंस। यानी कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने इस बात की पहल की कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया हुआ हो, इस तरह की पहल उन्होंने की। तो ऐसा करने वाले पहले थे बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी। उन दोनों का विश्वास था कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जाए, जो तैयार किया जाए, वो इंडियंस के विचारों पर आधारित हो, या इंडियंस का हो। तो देखिएगा सबसे पहली बात करें तो इन 1922 की बात करें तो गांधी जी प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि गांधी जी ने पहली बार, इनकी गांधी जी ने 1922 में डिमांड की और उन्होंने प्रपोज, और द कांग्रेस प्रपोज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली 1924। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव की बात करें तो ये रखा 1940 में, और इन 1940 की बात करें, यानी कि 1940 में द डिमांड वॉज एक्सेप्टेड। यानी कि जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसको एक्सेप्ट किया गया असेंबली के द्वारा। एंड इन जुलाई 1945 ए न्यू गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड विच सपोर्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि हम लोग बात करें तो 1945 यानी 1945 में इंग्लैंड के अंदर एक नई सरकार का गठन हुआ, और वो चाहते थे कि उससे हमारी उम्मीद भी जागृत हुई कि भारत के अंदर एक, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिले, उनके उस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक बात को लेकर के आगे बातें हुई। फिर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कहने का मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली है वो जुलाई 1946 में, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1946, तो ये डेट याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली को जो किस तरह से हुआ, तो अगर हम लोग इसकी बिगनिंग की बात करें, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली की बात करते हैं तो देर वर 389, यानी कि असेंबली के अंदर जो थे टोटल, तो वो 389, इनकी 389 थे। अगर उनमें भी बात करें, आउट ऑफ दिस 296 की बात करें तो वर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि 93 सीट्स की बात करें, टू द प्रिंसली स्टेट से थे वो, तो अलग अलग ये है कि 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। इसके अलावा बात करें तो हम लोग देखेगा 292 मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स, वाइल 4 मेंबर्स वर टू रिप्रेजेंट द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ दिल्ली। यानी कि जो 4 सीट थी वो अलग अलग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जैसे अजमेर, मेवाड़ा है, कुर्ग है, ब्रिटिश बलूचिस्तान है, दिल्ली है, इनके लिए थी। और फिर इसके अलावा बात की जाए तो ये थी हमारी 93 सीट्स वर रिजर्व टू द प्रिंसली स्टेट्स रिमेंस अनफिल्ड एज द स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस तरह से हमारी जो 389 की शुरुआत की स्ट्रेंथ थी, उसमें अलग अलग हुआ, 296 थे वो अलग तरीके से इलेक्टेड हो गए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को, और जो उसमें 93 जो सीट्स रखी गई थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी गई थी। और फिर 296 मेंबर की बात करें थे, आउट ऑफ 296 मेंबर्स की बात करें तो 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड किए गए थे किसके लिए, बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के द्वारा। और 4 जो मेंबर थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस को, लाइक दिल्ली हुआ, अजमेर, मेरवाड़ा हुआ, कुर्ग हुआ, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यानी कि इन 4 के लिए अलग अलग थे। तो इस तरीके से सीट जो थी, यानी कि शुरू के अंदर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत में जिस तरह से हुई, और फिर उसके बाद में यानी कि जो सीटें हुई उसके अकॉर्डिंग यानी कि रख दी गई भी कैसे कैसे क्या होगा, क्योंकि सबसे पहली बात ये थी कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशंस बनेगा तो असेंबली कैसे तैयार होगी, असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, मेंबर्स में से कहां कहां से जो हैं वो इलेक्टेड हुए, किस किस को रिजर्व रख दिया गया, तो अलग अलग सीटों को लेकर के चर्चाएँ हुई। उसके बाद बात करते हैं द कम्युनल डिविजन्स ऑफ इंडिया वाज फाइनल ऑन 3 जून 1947 को हुआ।
ये पूछा जाता है कई बार सवाल। तो जो हमारा कम्युनिकल डिविजन्स था इंडिया का, उसको वो फाइनल हो गया था 3 जून 1947 को। और जो मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी, वी टॉक अबाउट द मुस्लिम लीग, देन द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वॉज एक्सेप्टेड टू मेक सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, यानी कि अलग से राष्ट्र बनाने की उनकी जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वार रिकग्नाइज एंड सीट्स वर फिक्स्ड 324। और इस तरीके से हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीट कितनी हो गई थी, फिक्स सीट हो गई थी 324। और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो फाइनली अगर वहाँ मेंबर्स की बात की जाए तो कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर्स की, ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फाइनली 284 मेंबर्स साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंबर्स ने जो साइन किया वो थे 284, इनकी 284 मेंबर्स थे जिन्होंने साइन किया। और आगे बात करते हैं तो लीगल तरीके से जो इनोग्रेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली का, सो वी टॉक अबाउट अ लीगल इनोग्रेशन वॉज हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली इन सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट एंड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग 211 मेंबर्स टू पार्ट, यानी कि पहला जो लीगल इनोग्रेशन रखा गया उसमें 211 मेंबर्स ने हिस्सा लिया। एंड द वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज सचिनानंद सिन्हा वॉज मेड द टेम्प्रेरी प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली। तो बात करें तो 211 सदस्यों ने भाग लिया और सचिनानंद जो सिन्हा थे उन्हें टेम्प्रेरी तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली का। तो यानी कि ये कहें कि कई बार सवाल पूछा जाता है तो जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो थे, यानी कि जो यूं कहें कि एक तरह से कुछ समय के लिए एक अध्यक्ष चुना गया जो परमानेंट नहीं था टेम्प्रेरी था, वो कौन थे, तो वो थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और सवाल पूछ लिया जाए कि जब वो फाइनली मीटिंग जो हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो देन आवर आंसर विल बी 211, यानी कि 211 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा ये तीन और चार बातों के बारे में हमने चर्चा की अलग अलग तरीके से हुआ। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले हमने बात किया कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो 389 थी। 389 के बाद में 296 थे वो इलेक्टेड हुए थे जो कि रिप्रेजेंट ब्रिटिश इंडिया। उसके अलावा 93 सीट जो थी वो अलग थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। और उसके बाद में बात करते हैं 11 दिसंबर 1946, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द मैड द परमानेंट प्रेसिडेंट एंड बी एन राव वॉज मेड द लीगल एडवाइजर। सो देर आर ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली आस्क इन द एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट वन इज इफ वी टॉक अबाउट द परमानेंट प्रेसिडेंट देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इफ वी टॉक अबाउट द टेम्प्रेरी दैट टाइम सचिनानंद सिन्हा ओके एंड हु वॉज द लीगल एडवाइजर बी एन राव ओके एंड इफ वी टॉक अबाउट द 13 दिसंबर 1946 देन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली ओके गाइज एंड इट वॉज पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947 यानी कि 13 दिसंबर 1946 की डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और 22 जनवरी 1947 को ही पास कर दिया गया। इसके बाद में बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, यानी कि मैनी समितीज वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके, जिसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके बारे में चर्चाएं करें। तो द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी और वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो अपॉइंट की गई वो की गई 29 अगस्त 1947, बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल, 1947 को की गई। एंड चेयरमैन जिसे बनाया गया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओके गाइस। तो द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी कब की गई, ऑन 29 अगस्त 1947 राइट गाइज, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट गाइज। और इस तरीके से हम लोग बात करें तो देखिएगा द ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिटेड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली इन फरवरी 1948। तो फरवरी 1948 में इन्होंने पहला अपना ड्राफ्ट पेश किया एंड सेकेंड ड्राफ्ट इन अक्टूबर 1948 और दूसरा वाला इन्होंने 1948 को किया अक्टूबर में। हेंस ही इज नोन एज द फादर टू द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ओके गाइज।
इसके बाद में हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर के तैयार हुआ, जो ड्राफ्टिंग कमेटी विद द चेयर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू 2 years 11 months and 18 days to prepare द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।